Hola there, we are on the same page. Yes, ma'am, absolutely. Please continue with the presentation. Okay, so जो आपका ये painful area होता है ना, सिर्फ ये भी बहुत एक complex topic रहता है कि सीधा ऐसे टोटली हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ पेन, जहाँ पे मुझे पेन है एग्जैक्टली वहीं पे मुझे रख देना है इलेक्ट्रोड, ऐसा भी नहीं होता. वी हैव टू फर्स्ट चेक कि वो पेन वाला एरिया पेन किसकी वजह से आ रहा है. सपोज मुझे पेन आ रहा है सर्वाइकल की वजह से मेरे हैंड तक, और हैंड में मेरे सिम्टम्स हैं, सो मैं ऐसा नहीं करूंगी कि सीधा मेरे हैंड में ही मैं इलेक्ट्रोड रखूंगी. मैं अपना सर्वाइकल, आधा मैं सर्वाइकल एरिया भी अपना कवर करूंगी. ओके, ओवर द स्पेसिफिक डर्मेटोम्स, मायोटोम्स, उसके ऊपर हम यूज करेंगे स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट, पेरिफेरल नर्व, मोटर पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट एंड एक्यूपंक्चर पॉइंट. सो दीज आर द पर्टिकुलर एरियाज जहां पे मैं अपने इलेक्ट्रोड्स को है पेशेंट पे प्लेस करूंगी. इसमें कुछ पूछना है आपको इस वाली स्लाइड में? कुछ यू हैव एनी डाउट? यू आर क्लियर विद डर्मेटोम, मायोटोम्स एंड पेरिफेरल नर्व्स, मोटर पॉइंट्स? ओके, नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोड्स कॉन्फिगुरेशन. कॉन्फिगरेशन मतलब कि हमने कैसे उसको प्लेस करना है, मोनोपोलर रखना है या क्वाड्रीपोलर रखना है. अगर हम दो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो हम इस तरह से प्लेस करेंगे कि जो स्मॉलर वाला इलेक्ट्रोड होगा उसको हम बेसिकली जहां पे हमें ज्यादा इफेक्ट चाहिए वहां पे हम रखेंगे, और जो बड़ा वाला इलेक्ट्रोड है वहां जहां हमको कम इफेक्ट चाहिए वहां पे हम रखेंगे. ओके, एक आती है क्वाड्रीपोलर क्वाड्रिफिगरेशन, जहां पे हम चार इलेक्ट्रोड्स या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोड्स हमें यूज करने हैं. तो मोस्टली इंटरफेरेंशियल थेरेपी जो रहती है उसमें हम ये वाला इस तरह की कॉन्फिगरेशन यूज करते हैं. जैसे कि सपोज मुझे बैक को ट्रीट करना है, सर्वाइकल है, मिड बैक है, लोअर बैक है, या फिर मुझे ज्यादा एरिया कवर करना है, बैक से लेकर लोअर लेग तक का एरिया मुझे कवर करना है, इन दैट केस मैं ये वाला ऑरियंटेशन जो है यूज करूंगी. अगर सपोज मेरे को बैक में भी प्रॉब्लम है और लेग में भी प्रॉब्लम है तो मैं दो इलेक्ट्रोड बैक पे यूज करूंगी, दो मैं जिस लेग में पेन रेडिएट कर रहा है वहां पे यूज करूंगी अकॉर्डिंगली. ऑरियंटेशन आल्सो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसा मेरे मसल फाइबर की डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन में अगर मैं इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करती हूँ ना, तो जो इफेक्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा. सपोज मेरा मसल जो है बाइसेप्स है वो यहाँ पे मेरी बाजू से यहाँ नीचे तक एल्बो तक जा रहा है, तो मैं अगर उस डायरेक्शन में अगर मैं अपने इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करती हूँ ना, मसल फाइबर, फाइबर मतलब कि जिस डायरेक्शन में मसल के सेल्स जा रहे हैं मसल का ओरिजिन से इंसर्शन तक, तो अगर मैं उस डायरेक्शन में रखती हूँ ना तो मेरा मसल में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा जो मुझे चाहिए. ओके, यहां तक सबको क्लियर? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, पल्स, ड्यूरेशन एंड ऑल. ओके, नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दिस इज मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म को हम क्यों स्टडी करेंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम गाइस आपके पास सिलेबस होना चाहिए मैग्नेटिज्म. व्हाई वी विल स्टडी मैग्नेटिज्म, क्योंकि जो आपकी आपको मैंने बताया कि हाई फ्रीक्वेंसी में आपकी शॉर्ट वेव डायथर्मी है, माइक्रोवेव डायथर्मी है, कुछ कुछ ऐसी मोडेलिटीज मशीन रहती है हमारी जिसमें हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करते हैं अपनी ट्रीटमेंट पर्पज के लिए. सो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन जो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें वी हैव टू स्टडी अबाउट द मैग्नेटिज्म. सबने हम फिजिक्स में पढ़ा है कि मैग्नेट क्या रहता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट विच एग्जिबिट सर्टेन प्रॉपर्टीज. ओके, जिसमें क्या है कि हमारा एक पोल, ये तो सबको पता है ना कि नॉर्थ पोल रहता है, साउथ पोल रहता है, और हमेशा जो हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में. दीज आर द बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, एक मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज रहती है. एंड व्हाट इज मैग्नेटिज्म, की एक ऐसी फोर्स फॉर्म्ड बाय द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, एंड प्रॉपर्टीज है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ये ट्रेवल करती है. इसकी इसमें क्या रहता है कि ऐसा नहीं होगा, जैसे एक मैग्नेट हमने रखा, मैग्नेट के सामने अगर मेटल रखेंगे तो उसी को ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, सारी चीजों को अट्रैक्ट नहीं करता. ये हम सबको पता है कि मोस्टली मेटल्स को ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. नॉर्थ से, यू कैन सी यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ ये ट्रेवल कर रही है. तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं कि जो हमारी मशीन्स रहती है ना उनके अंदर ये इस तरह से जो शॉर्ट वेव डायथर्मी है, माइक्रोवेव डायथर्मी है, उन सब के अंदर ये इस तरह का प्रोसेस हो रहा है अंदर, उसके बाद जाके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है जो पेशेंट में हीटिंग का इफेक्ट लेके आ रही है. दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दिस. ओके,
नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि एक कॉइल है, ओके, एक मेटल की कॉइल है और इसके सामने एक यहाँ पे मैग्नेट रख दिया है. तो फिजिक्स में ना एक थे साइंटिस्ट जो माइकल फैराडे, उन्होंने इस लॉ को लेके आए थे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर किसी को अपनी 11th 12th याद आ रही हो फिजिक्स की, तो उन्होंने ये लॉ दिया था और उसी के बेसिस पे हमारी ये मोडेलिटीज काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए. अब उसने इसमें क्या बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि एक कॉइल है, उसके सामने हमने यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया. अब उन्होंने देखा कि यह जब हम इस मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है. अब वो करंट क्यों फ्लो कर रहा था, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से, ठीक है. तो यही इसी कंसेप्ट पे ये काम करते हैं और इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द मीन्स बाय विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैग्नेटिज्म एंड वाइस वर्सा, दोनों हो सकता है. ओके एंड ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए बता रही हूँ कि कोई अगर आपको पूछे कि शॉर्ट वेव डायथर्मी किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, क्या हो रहा है, तो बेसिकली इसमें ये हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज हो रहा है. ओके और ये हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां पे जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, मतलब वहां पे करंट प्रोड्यूस कर रहा है. अब वो जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसके लिए भी उन्होंने एक लॉ दिया था. एंड दो लॉ पढ़ते आप सिलेबस में देखोगे, यू हैव दीज टू लॉज, मैक्सवेल्स क्रू लॉ रूल एंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये उन्होंने क्यों दिया, जस्ट मेरी मैंने अपनी मशीन में शॉर्ट वेव डायथर्मी में ये अंदर सब कुछ हो रहा है, वहां पे एक मैग्नेट है और कॉइल है, उस तरह से सारा प्रोसेस हो रहा है, करंट चल रहा है. अब वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसको बताने के लिए हमारे पास एक रूल है. ये स्क्रू रूल क्या है, कुछ नहीं है कि हमारा सपोज कि डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर ये रूल क्या बोलता है कि इमेजिन हमने क्या किया कि जिस डायरेक्शन में हमने राइट हैंड में हमने स्क्रू को पकड़ा और हमने उसको जो है राइट से करंट ये राइट से उसको उसको नीचे की तरफ जो है हमने उसको बंद करना शुरू किया, तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो हमें डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का. इसमें क्या हुआ, अगर मैं इसको लेमेन टर्म में बताती हूँ कि सपोज यहाँ पे एक मैंने स्क्रू रखा है, मेरा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में. अब मुझे देखना है कि जो मेरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. तो उसको उन्होंने एक स्क्रू से डिफाइन किया कि जिस राइट हैंड की साइड से मैं स्क्रू को रोटेट करूंगी तो जिस डायरेक्शन में वो रोटेट होगा उसी डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो ट्रेवल करेंगी, उससे मेरे को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी. वैसे ही फैराडे ने एक राइट हैंड रूल दिया था कि जो बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी, करंट कौन सी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सी डायरेक्शन में. तो उन्होंने क्या किया, राइट हैंड का लिया, उन्होंने उसको थंब को एकदम परपेंडिकुलर रखा और ये इंडेक्स फिंगर और उसके वर्टिकल में मिडल फिंगर को रखा. सो जो थंब है वो डोनेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स और जो इंडेक्स फिंगर है वो डोनेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट डिनोट कर रहा है हमारी मिडल फिंगर. इट इज जस्ट टू आपको थोड़ा सा ये करने के लिए कि कैसे ये काम करता है हमारी शॉर्ट वेव और माइक्रोवेव डायथर्मी में. ओके यहाँ तक क्लियर सबको. नेक्स्ट टाइम आपके पास जब सिलेबस होगा, इफ यू गाइज इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, में मैग्नेटिज्म में, प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इफ यू वांट आस्क यू कैन आस्क मी. आज आपको पास डाउट नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव द सिलेबस. ओके नेक्स्ट वी विल शिफ्टिंग द बेसिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. जो हमारी मशीन्स रहती है ना इलेक्ट्रोथेरेपी में, उसमें हमारे पास कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो हम सबको पता होने चाहिए कि सपोज मेरा टेंस है, मेरे पास आईएफटी है, तो सभी मोडेलिटीज में क्या रहेगा एक क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें ये सारी चीजें रहती हैं, जैसे कि रजिस्टर है, ट्रांसफॉर्मर है, कैपेसिटर है, थर्मियोनिक वेल्व्स है, सेमीकंडक्टर्स हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रियोस्टैट हो गया, फ्यूज हो गया. ओके सो ये मैंने यहाँ पे जैसे कि रजिस्टर किस लिए क्या करता है, जो लिमिट कर रहा है और रेगुलेट कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को. ओके ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है एसी को फ्रॉम वन वोल्टेज टू अनदर टू रेंडर द करंट अर्थ फ्री. ये ट्रांसफार्मर का काम है. सभी को पता है ना ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज होता है, तो ये दीज आर द बेसिक बेसिक कि कैपेसिटर क्यों यूज कर रहे हैं,
इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए थर्मियोनिक बल्ब्स हमारी मशीन्स में यूज होता है, ये सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो आपको पता होना चाहिए वो फ्यूज के बारे में पता होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है ना, हम मशीन्स यूज करते हैं और कई बार वो काम नहीं करती हैं, तो हम कई बार लीड्स को चेक करते हैं, हम देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं चल रही है। तो एक बार फ्यूज को चेक करो, छोटा सा फ्यूज होता है हमारी मशीन के बैक साइड में वहां पे, तो वो फ्यूज कई बार चला गया होता है, खराब हो गया होता है, तो वो फ्यूज हम चेंज करके वो हमारी मशीन फिर से चलने लगेगी। तो फ्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये इसलिए कि कई बार हमारा एकदम से काम, मतलब पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं और एकदम से मशीन काम करना बंद कर गई, तो सबसे पहले एक बार कम एटलीस्ट फ्यूज को चेक कर लो कि फ्यूज ठीक है कि नहीं है। ओके, दीज आर द बेसिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोडेलिटीज से जिसमें हम करंट को यूज कर रहे हैं, तो हमारे को इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में पता होना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, केबल्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो गई, पेशेंट का जो हमने इलेक्ट्रोड्स लगाया उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, या पेशेंट जो है उसके कुछ भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो गई, सो उस केस में पेशेंट को शॉक लग सकता है। एकदम से इंटेंसिटी हमने बढ़ा दिया या वोल्टेज प्रॉब्लम हो गया, तो वहां पे शॉक लग सकता है। तो व्हाट इज शॉक, पेनफुल स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व्स कॉज्ड बाय अ सडन फ्लो या फिर सिजेशन या फिर वेरिएशन इन द करंट पासिंग थ्रू द बॉडी। और जो ये सिवियरिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कितनी मैग्नीट्यूड का करंट गया और करंट ने कौन सा पाथ लिया। पाथ मतलब कि कौन से रास्ते से वो होके गया हमारा करंट। सपोज मेरे करंट में को करंट लगा और उसने मेरे हेड नेक और हार्ट को जो है फटाक से इन्वॉल्व कर दिया, तो वो ज्यादा फेटल हो सकता है। क्यों फेटल हो सकता है, क्योंकि हार्ट में क्यों फेटल हो सकता है, अगर आपको याद होगा हमारे हार्ट में एक ऑलरेडी एक ऐसा पेस मेकर रहता है, तो फटाफट से वो इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो उसको अफेक्ट करता है और